जनपद के विकास व निर्माण कार्यों सहित कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक प्रदेश के समाज कल्याण विभाग व जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समय पर विशेष बल देते हुए कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि 50 लाख से ऊपर की अधूरी परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में जनवरी तक अवश्य पूरा करा लें। प्रभारी मंत्री ने कहा कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सभी अधिकारी पूरी निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी के साथ पात्र लाभार्थियों को पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित करें, यह हम सबका नैतिक दायित्व है। बैठक में प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा एजेंडावार विस्तृत रूप से किया, जिसके तहत स्वच्छ भारत योजना, गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया, कन्या सुमंगला योजना, बाल विकास एवं पुष्टाहार सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए कि विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से की जाए तथा खराब ट्रांसफार्मर 72 घंटे के अंदर बदले जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सिंचाई के दृष्टिगत सभी नलकूप चालू हालत में रहें और यदि कोई नलकूप यांत्रिक विद्युत दोष से बंद है तो उसे शीघ्र ठीक किया जाए। प्रभारी मंत्री ने राजस्व वादों का निस्तारण प्रमुखता के आधार पर करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए और अपात्रों को वंचित किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा, हमने दवा ढूंढी, हमने वैक्सीन ढूंढा और वैक्सीन अब लगभग मिल चुकी है। उसी के बाद प्रिपरेशन से वैक्सीन हम कहाँ रखेंगे, क्योंकि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कल हेल्थ वर्कर्स हेल्थ डिपार्टमेंट के हों, प्राइवेट नर्सिंग होम के हों, आयुष के हों, होम्योपैथी, जिसका नाम इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और ना ही उसे वैक्सीन पे मैसेज आएगी कि आप वैक्सीनेशन कराने नहीं जा पाता। कौन वैक्सीनेट होंगे फर्स्ट फेज में वो मैंने बताया, आंगनबाड़ी, वार्ड बॉय, स्वीपर, डॉक्टर। सेकेंड फेज जो होगा और थर्ड फेज में और 50 से नीचे वो लोग डायबिटीज है, क्रॉनिक इलनेस, ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसे गंभीर बीमारी लगे की प्लानिंग पूरी हो चुकी है, अपलोड कर लेना है कोविड उस पे पोर्टल, ऐसे उम्मीद है मिलेगी और इसका स्टोरेज 2 to 8 degrees Celsius पर संभव है। जो कुछ वैक्सीन आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे जो -35 to 80 degrees पे स्टोर होती है, प्रोबेबल वो हमें नहीं दी जाएगी। वैक्सीन के बारे में एक खास बात है, अगर फर्स्ट डोज आपको वैक्सीन भारत बायोटेक की लगी है तो सेकेंड डोज भी, जिसको बूस्टर डोज मानते हैं, जो 28 दिन बाद पहली वैक्सीन लगने के 28 दिन बाद लगेगा, वो भी भारत बायोटेक का ही होना चाहिए। सपोज एक व्यक्ति को गोरखपुर में भारत बायोटेक की या सीरम हमारे सीरम पुणे की वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की वैक्सीन लगी और वो मुंबई माइग्रेट कर गए, तो उसके चूंकि ऑनलाइन है उसके उस पर मैसेज आएगा, जैसे वो वैक्सीनेट हो जाएगा वो हमें फीड करना होगा वैक्सीनेशन के तुरंत बाद, और फीडिंग के बाद उस पर मैसेज आएगी यू हैव बीन सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड बाई भारत बायोटेक वैक्सीन, वो उसके पास एक मैसेज रहेगी और एक वो चाहे तो बार कोडेड प्रिंट आउट भी उस पर आएगा, वो निकाल सकता और जहाँ जाएगा वहाँ वो भारत बायोटेक की ही लगवाएगा। तो ये व्यवस्था रहेगी, सेम वैक्सीन लगनी है, ठीक हो चुका है तो भी उसे वैक्सीन लगाएगी। ये क्वेश्चन था कि यहाँ क्या हमें लगेगी, तो वो उसे भी लगेगी क्योंकि डेवलप हुई है, तो अगर वैक्सीन दे दिए तो उनकी इम्यूनिटी और अच्छी हो जाएगी। मिड ऑफ जनवरी 2021 से इसको स्टार्ट करें। प्रपत्र 4 है, यशु साहब आपका है, पेज नंबर 9। और उधर की जो डिजिटल का काम है सर, वो भी 95% डिजिटल होता है सर, वो भी 98 से 99% के बीच सर वो आधार अथेंटिकेशन के माध्यम से सर होता है। 1% बचा है सर, वो आधार सीरीज के लिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है सर, वो हम लोग इस महीने टारगेट है 31 दिसंबर तक करा देंगे सर। समूह को 23 समूह को सर यहाँ मतलब कि 16 सर नियुक्ति आदेश भी जारी हो गया है, इस महीने से सर उठान भी उनको शुरू हो गया है सर, और जनवरी 100 वितरण करेंगे सर। गन्ना विभाग
रुपये उनका बचा हुआ है और 99% भुगतान पिछले साल का हो गया। इस साल का सर 99% पिछले साल का 99% हो गया, इस साल का 49% हो गया। जो परिवार फिर से छूटे हैं उसका भी सर्वे कराया जा रहा है सर। अभी 7,262 परिवार हमें मिले हैं। कुल हमारा टारगेट जो है सर 9,962 का है। तो सर ये अगले 2 दिन में सर जितने और भी परिवार छूटे हैं सबका सर्वे पूरा करा देंगे सर। जिसको भी शौचालय नहीं है उन सबों को भी दिया जाएगा। इसके अलावा सर हमारे यहाँ 1,189 सामुदायिक शौचालय का लक्ष्य है सर। जिसके सापेक्ष हम लोगों ने सर 1,034 सामुदायिक शौचालय का फोटो कर लिया है सर। अब बाकी भी ऑलमोस्ट कम्प्लीशन पे 3 से 4 दिन में 100% से हमारा लक्ष्य सामुदायिक शौचालय के निर्माण में भी सर पूर्ण हो जाएगा। आपने सब प्रश्न बात कर दी तो उसका प्रश्न हो गया। हाँ सर अभी सर फिर से सर्वे चल रहा है फेज टू का। इसके बाद भी उसके बाद भी सर कुछ ना छूटे हुए हैं। कितने सर को लिया जाने के बाद भी चल रहा है सर। सर जो पहले आए थे उनको बता दो उसके भी सर्वे करके देखने के लिए ऑप्शन कुछ लोग से बाहर से भी आए थे उनका भी सर्वे कर रहे हैं खुद देख लीजिए सर। ये ना बताओ इसमें कभी कभी लगता है सर ग्राम सभाओं में बात करते हैं बना ले जाते हैं प्रधान क्या कर रहे थे कोरोना के बाद ये जो काम शिथिल पड़ गए थे उसको तेजी से लाने के लिए हमने सभी अधिकारियों को बुलाया था। एक एक विषय पर चर्चा हुई और उस विषय पर चर्चा होने के बाद में जो अभी सारे अधिकारी लग गए हैं हमको लगता है कि मार्च तक वह सारे पुराने काम पूरा होंगे और सब पॉजिटिव चर्चा हुई है। अच्छा रहा और सभी अधिकारियों को टारगेट दे दिया गया है कि जो अपने काम पूरे कर रहे नहीं कर पाएंगे उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। जो काम अच्छा करेंगे उनको प्रस्तुत भी कर जाएंगे। मंत्री जी गन्ना का सीजन चल रहा है गन्ना पिराई मिल गया चालू हो गया और स्वच्छ भारत अभियान की क्या प्रक्रिया नहीं इस पर भी चर्चा हुई है। गन्ना हर किसान का प्यारा जाना चाहिए और समय से गन्ना किसानों को उनका पैसा भी मिलना चाहिए और जो मिल मालिक गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान की भी समस्या हुई है स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय निर्माण को लेकर तो हमको लगता है कि जो जो चर्चा हुई है कई विषय पर चर्चा हुई है वो सारी चर्चा ठीक हुए हैं और हमारे साझाधिकारी कोरोना के कारण से कुछ शिथिलता आ गई थी अब वो तेजी में ला रहे हैं। धन्यवाद।